सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज के दिन का आखिरी द 100 का मैच होगा इसके बारे में। तो ध्यान से पूरा वीडियो वॉच करना, आपको हर एक ऐसी डिटेल पता लगेगी जो आपको इस मैच में बहुत अच्छे तरीके से विन करवाने में आपकी मदद करने वाली है। देखो, लास्ट मैच जो हमने खेला था वो भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट देके गया, लगभग 70-80 पॉइंटों से हमने जो है स्मॉल लीग में क्लीन स्वीप किया था। और मेरी कोशिश इस मैच में भी पूरी है कि मैं आपको इस मैच में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिलवा सकूँ, ठीक है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, ठीक है। बाकी काम मेरा है, मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार आए इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको वीडियो मिले। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे और पहले सुबह जो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया बहुत अच्छा आप लोगों ने जो है रिस्पॉन्स दिया और इसी तरीके का आपको मैंने रिजल्ट भी दिलवाया था, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और मेन बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मैच की जो फाइनल टीम आपको मिलेगी जिससे कि लोग बाग विन भी कर रहे हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जहां पर 135,000 से ज्यादा मेंबर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो जरूर जो है टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाना। मैंने दोनों चैनल्स का जो लिंक है आप जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ठीक है। एक अपना मेन चैनल है, दूसरा अपना ग्रैंड लीग प्लस गिव अवे वाला चैनल है जिसका नाम है क्रिक विंस, तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मैच के बारे में कि किस तरीके के प्लेयरों को आपको टीम में इंक्लूड करना है और कितने मतलब कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है और ग्रैंड लीग में किन प्लेयरों को ट्राई करना है। मेरी कोशिश पूरी है कि मैं आपको हर एक मेजर पॉइंट बताऊं जिससे कि आप लोग अच्छा खासा विन कर सको, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो मैच होगा ये 19वां मैच रहने वाला है, ठीक है। दिन का ये आखिरी मैच है तो कोशिश करना नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ जाएं, ठीक है। सबसे पहली बात तो कोशिश करना कि आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉर्मल रहे, ठीक है। 19वां मैच ये इस टूर्नामेंट का रहने वाला है, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों टीम की, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको जो क्रिकबज में पॉइंट्स टेबल है द 100 मेंस की वहीं पर जाके लेके चलता हूं ताकि आपको कोई इशू ना हो, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखो, मैं आपको पॉइंट्स टेबल में लेके आ चुका हूं। यहां पर आप लोग देख रहे हो जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की टीम है, इनके टोटल जो है ना 4 मैच हुए हैं, लेकिन 4 मैचेस के अंदर दोस्तों मैं बता दूं, एक जो मैच था इनका बारिश के कारण रद्द हो गया, बाकी के बचे हैं 3 मैच, और उन 3 मैच के अंदर 2 मैच में इन्होंने विनिंग हासिल की है और एक जो मैच था वो ये हार के आ रही है। नॉर्मली देखोगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक इनका रहा है। ऑपोजिशन वाली जो टीम है, जो ग्रुप बी की टीम है, जो कि है दोस्तों SOB यानी साउथर्न ब्रेव की टीम है, इसके 4 मैच हुए इस टूर्नामेंट में और 4 में से 2 मैच विन किए, 2 मैच हारी है। अदरवाइज नॉर्मली देखो सेकंड साइड से देखोगे तो इसका भी परफॉर्मेंस जो है इक्वल सा रहा है, ठीक है। अब यहां से अगर आप थोड़ा बहुत मतलब ये देखोगे कि भाई कौन से टीम स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वैसे ही पता लग रहा है कि जो नॉर्थर्न ओरिजिनल्स की टीम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाली है साउथर्न ब्रेव से। इसीलिए ग्रैंड लीग में क्या करना है, आपको 7-4 या 6-5 का कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें आपको नॉर्थर्न ओरिजिनल के 6 प्लेयर या 7-4 का बना रहे हो तो 7 प्लेयर और 4 प्लेयर आपको जो सेकंड साइड SOB की है उनकी साइड से आपको लेना है। अब किनको लेना है किनको नहीं लेना है, उससे पहले मैं आपको इन दोनों टीमों का बैटिंग ऑर्डर वगैरह और लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस रहा था वो भी मैं आपको बता देता हूं जिससे कि आपको और भी अच्छी तरीके से टीम बना आप लोग जो है पाओगे। सो गाइस देखो, अब यहां से हम पहले जिस ग्राउंड पे मैच होगा इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं, क्योंकि आपको बताया ग्राउंड पूरा गेम चेंजर जो है चीज होती है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ग्राउंड जो है वो ओल्ड ट्राफोर्ड मैनचेस्टर है। अब यहाँ की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर होता क्या है कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती है, ठीक है, वो यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस विन करती है। अभी जो इस सीरीज के अंदर मैचेस हुए हैं ना, टॉस जीतने वाली टीम 60% गेम जीती है और टॉस जीतकर बॉलिंग करने वाली टीम 40% गेम जीती है। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी टीम विन करने वाली है, और ये चीज आपको टॉस पे पता लग जाएगा कि कौन सी टीम टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है बॉलिंग कर रही है। या मैं आपको अगर पता ना लगे तो टेलीग्राम का ऑप्शन मैंने दिया है, वहां पे ज्वाइन हो जाना, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। सो ये ग्राउंड की कंडीशन है, टॉस जीतने वाली टीम हाईली चांसेज है मैच में बैटिंग करके विन कर जाएगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिच है वो न्यूट्रल है, जो बैटिंग डिपार्टमेंट है यानी जो बल्लेबाज है उनको भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा और जो बॉलर्स है उनको भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बॉलिंग साइड में जो स्पिनर्स हैं, ठीक है, जैसे कि मैथ्यू पार्किंसन जैसे बॉलर है वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। इसीलिए आपको करना क्या है, बॉलर्स को लेना है, लेकिन एंड में यानी कि जो डेथ में बॉलिंग करेंगे, डेथ में कौन करेगा उसके लिए बेफिक्र हो, मैं बता दूंगा। डेथ में जो बॉलिंग करेंगे फास्ट बॉलर्स आपको उनको लेना है, प्लस में जो गेम के मेन स्पिनर से आपको उस साइड से उन प्लेयर को लेना है, ठीक है। तो चलिए डायरेक्टली मैं भी आपको लेके चलता हूं पहले प्लेइंग 11 पे और इनके बैटिंग ऑर्डर पे। मैं आपको लास्ट में जो इनका हुआ था ना उसका बैटिंग ऑर्डर भी बता दूंगा ताकि आपको वहां से ये भी पता लग जाएगा कि लास्ट मैच में टीम के बैट्समैन ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया और बॉलर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था, ठीक है। सो सबसे पहले दोस्तों यहां से हम बात करते हैं जो MNB MNR की जो टीम है ना, यानी कि मैनचेस्टर रॉयल्स की जो टीम है इनके बारे में।
तो फ्लिप सोल्ट और जोए क्लार्क ये दोनों प्लेयर दोस्तों इसकी साइड से ओपन करेंगे, ठीक है। फ्लिप सोल्ट बहुत तगड़ा प्लेयर है मैं आपको ये बता दूं, और जोए क्लार्क जो है लास्ट मैच में 50 प्लस की इनिंग खेल के आया, तो बेस्ट ग्रैंड लीग का ले लो चाहे स्मॉल लीग का ले लो, कैप्टनसी का चॉइस ये रहने वाला है। इसके साथ जो वन डाउन आएंगे वो कोलिन मुनरो आएंगे, जो आपको बताया बहुत ही तगड़े प्लेयर है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोलिन एक्रेमैन है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आएंगे टॉम जो है लेम्बो भी, ठीक है। उसके बाद आएंगे दोस्तों कार्लोस ब्रेथवेट जो इस टीम के कैप्टन है, और ये बेहतरीन चॉइस है आपकी स्मॉल लीग के कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। उसका रीजन क्या है, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पीछे ये न्यूट्रल विकेट है, बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो ब्रेथवेट एंडिंग के ओवर्स तक बैटिंग के लिए भी आ जाएगा, प्लस में चार ओवर बॉलिंग भी करेगा, और ब्रेथवेट ने इस ग्राउंड पे काफी अच्छी बॉलिंग करवा के विकेट भी लिए, तो अच्छा प्लेयर ब्रेथवेट आपके लिए रह सकेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आएंगे केल्विन हैरिसन। देखो स्टार्टिंग में जब पिच जो है स्लो थी ना, अभी मैंने आपको एक बात बोली ट्रैफोर्ड में स्पिनर्स का गेम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, तो केल्विन हैरिसन का जो एक मैच था उसमें बहुत अच्छा बंदे ने परफॉर्मेंस दिखाया था, हाईली चांस है जी इस मैच में खेलेगा भी और अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखा भी देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आएगा टॉम हार्टली, फिर आएगा दोस्तों यहाँ से लोकी फर्ग्यूसन जो कि न्यूजीलैंड का एक बेहतरीन बॉलर है जो डेथ में बॉलिंग करेगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उसके बाद स्टीवन फिन जो कि इस टीम के मेन प्लेयरों में से जो बॉलर होते वो होते, और जब ब्रेथवेट नहीं थे, ठीक है, तो ब्रेथवेट की नहीं, ब्रेथवेट की छोड़िए, आपको पता होगा अगर आप लोग मैच में फोकस करते हो तो स्टीवन फिन जो है ऐसे कैप्टनसी भी इस टीम की तरफ से खेल चुके हैं, ठीक है। डेथ में बॉलिंग करेंगे, चार ओवर बॉलिंग करेंगे, मेन बॉलर है, इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैथ्यू पार्किंसन जो कि इनके मैन स्पिनर है, ये इनका लास्ट मैच में यही प्लेइंग 11 था, परफॉर्मेंस क्या था वो मैं अभी आपको बता दूंगा, और उसके अलावा दोस्तों ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर। अब जो ऑपोजिशन वाली टीम है यानी साउथर्न ब्रेव की जो टीम है इसका भी मैं आपको बता देता हूं, तो यहां से दोस्तों देखो मैं आपको बताना चाहूंगा जेम्स विंस ओपन करेंगे क्विंटन डीको के साथ, और वन डाउन आएंगे दोस्तों डिवॉन कनवे। डिवॉन कनवे एक बहुत तगड़ा प्लेयर है, एलेक्स जो यहाँ से क्विंटन डीको के वो भी बहुत तगड़ा प्लेयर है, और यहाँ से जो जेम्स विंस है तीनों ये इनके टॉप क्लास प्लेयर रहने वाले हैं। ग्रैंड लीग में तीनों में करना क्या है आपको, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी में रोटेशन करना है, ठीक है। मैं आपको एक ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन अभी एंड में दिखाऊंगा, उस तरीके से आपको चेंजेस करते रहना है, ठीक है। तो देखो चौथे नंबर पे एलेक्स डेविस आएंगे जो कि इस टीम के लगभग नॉर्मली देखो कि बहुत अच्छे परफॉर्मेंस अभी तक के रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से कॉलिन दी ग्रैंडोम जो बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इस वक्त बैटिंग से उतना कुछ कर नहीं पाए लेकिन प्लेयर बहुत तगड़ा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों रॉस वाइटली है, इनको मैं आपको कहना चाहूंगा ग्रैंड लीग की अगर टीम रेडी कर रहे हो तो आपको करना क्या है, जो जेम्स विंस हो गए, जो क्विंटन डीकॉक हो गए, इन प्लेयरों को आपको फ्लॉप करवाना है, ठीक है। जेम्स विंस ओपन करेगा क्विंटन डीकॉक के साथ, डिवॉन कनवे वन डाउन आएगा। देखो कनवे तो एक बहुत तगड़ा प्लेयर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलता है, लेकिन डीकॉक और जेम्स विंस इन दोनों प्लेयरों को आपको ग्रैंड लीग में ड्रॉप करना है। दोनों को नहीं कर रहे हो तो किसी एक को, खासतौर से डीकॉक को आपको ग्रैंड लीग में जरूर ड्रॉप करना है, क्योंकि डीकॉक का जो सिलेक्शन है लगभग 90% से ज्यादा है, यानी कि देखो डीकॉक अगर फ्लॉप होगा, ठीक है, तो जो 90% जो बंदे जिन्होंने डीकॉक को लिया है वो ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते, केवल जो 10% जो बंदे बचेंगे उन्हीं के हाथ में ग्रैंड लीग आने वाली है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहां से बात आती है रॉस वाइटली की, बात करा था मैं, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करना है इनके टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करवाते हुए, ठीक है। फिर यहाँ से दोस्तों लियाम डोसन है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे आपको, फिर यहाँ से क्रिस जॉर्डन है, ग्रेग ग्रेटन है, और टाइमल मिल्स है, और जैक लिंटॉट है, ये इनकी प्लेइंग 11 रहेगी अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ओपनर बॉलर और डेथ के बॉलर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ से जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जो टीम है यानी एमएनआर की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ से ओपनिंग करेंगे दोस्तों यहाँ से स्टीवन फिन ओपन करेंगे। अब ओपन किसके साथ करेंगे ये शॉर्टी से नहीं है, क्योंकि देखो अगर ब्रेथवेट को लगेगा कि स्पिन पिच है तो वो यहाँ से दोस्तों केल्विन हैरिसन को भी ला सकता है, और यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ टॉम हार्टली भी आ सकता है, ठीक है। और अगर नॉर्मली देखोगे तो स्टीवन फिन का तो है लगभग तय और टॉम हार्टली आ सकता है, ठीक है। डेथ की बात आती है तो स्टीवन फिन डेथ में आएगा, लेकिन आएगा लोकी फर्ग्यूसन के साथ, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों यहां से हम बात करते हैं जो सेकंड साइड यानी एसओबी की साइड से अगर हम बात करें, तो ओपनिंग करने वाले जो प्लेयर है वो है दोस्तों यहां से लियाम डोसन ओपनिंग करेंगे, और ओपनिंग करेंगे दोस्तों ग्रेग ग्रेटन के साथ, ठीक है। डेथ की बात आती है तो क्रिस जॉर्डन डेथ में आएंगे, और डेथ में आएंगे दोस्तों टाइमल मिल्स के साथ, ठीक है। तो ये हो गई दोस्तों इस टीमों की जो भी मैन मैन इन्फॉर्मेशन थी वो। नाउ बात आती है अपनी स्मॉल लीग की टीम की जो मैं यूज करूंगा इस वाले मैच में स्मॉल लीग में, लेकिन उससे पहले मैं अगेन आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो दोनों चैनल्स का जो लिंक है मैंने आपको
आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, ठीक है। मेन चैनल का भी और सेकेंडरी चैनल का भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। देखो टीम की बात आती है, टीम दिखाने से पहले मैंने आपको अगेन बताना चाहूंगा टेलीग्राम से जुड़ जाना, ठीक है। टीम थोड़ी सी रिस्की है, अब आपको बताया कि थोड़ा सा रिस्क चलता है गेम के अंदर, तो टीम भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो मेरी रहने वाली इस मैच में स्मॉल लीग। तो गाइस देखो यहाँ से हम अपनी टीम देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएं ये ड्रीम इलेवन में आज थोड़ी सी क्रेडिट की इशू है, तो जो मेरा मेन इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है, मेन देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट के साथ जाने वाला हूँ, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन में क्या है, मैं टीम बेस्ट नहीं बना पा रहा हूँ क्रेडिट इशू के कारण, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको फेंटा माइशोर में जहाँ भी आप खेलते हो या फिर कोई अनदर साइट जहाँ पर क्रेडिट इशू नहीं है, आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। ड्रीम के यूजर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोशिश करना जो मिनी ग्रैंड लीग होती है, ठीक है, वो खेले या फिर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेले, ठीक है। तो देखो टीम आप लोगों के सामने अभी क्विंटन डिकॉक और फ्लिप सॉल्ट दोनों प्लेयर गजब के प्लेयर है और दोनों के दोनों शानदार प्लेयर है, मेनली ओपन करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने अपनी टीम में इंक्लूड किया है। उसके बाद बात आती है बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग सेक्शन में आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से कॉलिन मुनरो जो मेरे पहले चॉइस रहेंगे, सेकंड नंबर पे जेम्स विंस को मैंने टीम में इंक्लूड किया है, थर्ड नंबर पे दोस्तों मैंने यहाँ से लिया है डिवॉन कन्वे को, और चौथे नंबर पे मैंने लिया है जॉय क्लार्क को, जो लास्ट मैच के तगड़े प्लेयर रहे थे और लास्ट मैच के हीरो रहे थे, क्योंकि ये मैन ऑफ द मैच आए थे। एक बार मैं आपको लास्ट मैच का जो परफॉर्मेंस रहा था वो दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में और भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। टीम तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, वहाँ पर तो कोई इश्यू है ही नहीं। देखो ये अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो जो MCR मैनचेस्टर रॉयल्स की जो ओरिजिनल्स की जो टीम है उनका लास्ट मैच का परफॉर्मेंस है। बैटिंग में फ्लिप सॉल्ट 30 रन, जो जॉय क्लार्क के 58 रन। देखो आप डायरेक्टली देख लो क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना आपको पसंद है ना मुझे पसंद है, ये बैटिंग से परफॉर्मेंस रहा था। बात आती है बॉलिंग की, तो बॉलिंग में ये जो इनके बॉलर्स रहे थे उनका ये परफॉर्मेंस रहा था। हाईएस्ट विकेट टेकर जो है टॉम हेडली थे जिन्होंने 2 विकेट लिए, बाकी नॉर्मली स्टीवन फिन को 1 विकेट मिला और कार्लोस ब्रेथवेट को भी 1 विकेट मिला और लोकी फर्ग्यूसन को 1 विकेट मिला, ठीक है। तो ये मतलब लास्ट मैच में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जो टीम है उसका परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद जो इनके ऑपोजिशन वाली टीम है, ठीक है, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ से देखो जेम्स विंस ने ओपनिंग करके 6 रनों पे आउट हो गए थे, ठीक है। तो SOV की जो टीम है उनका लास्ट मैच का ये परफॉर्मेंस रहा था। एलेक्स डेविस जिसने 50 प्लस रन का स्कोर खड़ा किया था लास्ट मैच में, तो ये बैटिंग से परफॉर्मेंस रहा था। उसके बाद बात आती है इनकी बॉलिंग अटैक की, तो बॉलिंग का भी आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्रेटन को 2 विकेट मिले, ठीक है, उसके बाद क्रिस जॉर्डन को 2 विकेट मिले और यहाँ से दोस्तों टाइमल मिल्स को 1 विकेट मिला, बाकी सारे के सारे वेस्ट फ्लो रहे थे, विकेटलेस रहे थे, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं अपनी टीम की, अब आपको बताया थोड़ा सा रिस्क तो लगभग नॉर्मल सी चीज़ें लेना ही पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आपको एक छोटा सा काम करना है, ये जो फ्लिप सॉल्ट है इसकी जगह पर एलेक्स डेविस के साथ जा सकते हो जिसने लास्ट मैच में 50 प्लस का स्कोर खड़ा किया है। बट मैं आपको जहां तक पता है ना, मुझे जहां तक मेरे आइडिया है, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस नेक्स्ट मैच में मैक्सिमम टाइम फ्लॉप होता है, तो होपफुली आज ऐसा ही हो, मैं चाहता भी यही हूँ और होगा भी लगभग यही, बाकी देखते हैं। फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी। विकेट कीपर सेक्शन में आपको इन दो प्लेयरों को लेना है, डीकॉक और फ्लिप सॉल्ट को। बैटिंग सेक्शन में आपको कॉलिन मुनरो, ये चारों सेक्शन मैंने आपको दिखा दी, सॉरी चारों बैट्समैन मैंने आपको दिखा दिए। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों कार्लोस ब्रेथवेट और क्रिस जॉर्डन, इन दो से बेटर ऑप्शन कोई है नहीं। ग्रैंड लीग के लिए जो कॉलिन दी ग्रैंडो में बेस्ट विक है, ठीक है, लेकिन वही बात क्रेडिट की इशू है, मैं नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। इन दो को लेने के बाद आपको आना है बॉलिंग साइड में। अब यहाँ पर जो मेरा ट्रम्प प्लेयर रहने वाला है वो है लोकी फर्ग्यूसन, ठीक है, और मैं चाहता हूँ इस प्लेयर को लूँ, लेकिन वही बात क्रेडिट की इश्यू मेरे पास आ रही है तो मैं नहीं ले पाऊंगा। तो ये तो मेरी क्या है, ड्रीम की टीम है, इसलिए मुझे नहीं लेना पड़ा। लेकिन अगर आप फेंटा और माइशोर पे खेल रहे हो तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है, आपको ग्रेटन की जगह पर जो लोकी फर्ग्यूसन है उसको ले लेना है और टीम को रेडी कर देना, ठीक है। अभी के लिए तो देखो आपको बताया थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ती है टीम को। जो स्क्रीन पे आप टीम देख रहे हो इसमें दोस्तों कैप्टन जो मेरा रहने वाला है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा मैंने आपको अभी वीडियो में मेंशन किया था कि भाई ब्रेथवेट के पास बैटिंग का भी ऑप्शन होगा, बॉलिंग का भी ऑप्शन होगा, तो बेस्ट कैप्टनसी का चॉइस तो कार्लोस ब्रेथवेट है और मेरा भी यही रहने वाला है। VC की बात आती है, VC मेरा क्विंटन डिकॉक रहने वाला है, बाकी जो भी चेंजेस होंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि मेरी टीम में ये चेंज होने वाले हैं। इसीलिए मैं आपको जाते जाते यही कहूंगा कि टेलीग्राम चैनल से अगर आप नहीं जुड़े हो, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आप जो वीडियो देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दिया हुआ। होपफुली ये मैच भी हमारे लिए बेस्ट जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि सेकेंडरी चैनल पे ग्रैंड लीग की टीम प्रोवाइड करूं, बट मैं शॉर्ट लिस्ट से आपको नहीं कहूंगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो यहां पर वीडियो कंप्लीट।